Life is a winding road, no telling where it goes. Good morning everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जीजा जी सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल गया उड़ीसा जाने के लिए, किसी ने मुझे नहीं उठाया और टाइम अभी 8 बज गया। मैं अभी तक सो रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला, वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। अभी भी है ना, ऐसा लग रहा है मुझे वापस जाकर सोना है, ऐसा लग रहा है। ओ 8 नहीं 7:30 हुआ है, वो क्लॉक बेडरूम का क्लॉक है ना खराब था। करना सुबह सुबह अपना गेम बना रहे हैं और अम्मा इधर सुबह सुबह बिजी है, दो मिनट रखने मेरे लिए कुछ मेडिसिन बना रहे हैं। ये करीम जीरगम मलयालम में बोलते हैं, शायद काला जीरा होगा। देखो आप लोग देखो, उसका पाउडर बनाने जा रहे हैं। पूरा पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा थोड़ा क्रश किया है। एक ग्लास पानी लिया, मतलब माइग्रेन के लिए। दीदी उधर बिजी है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। एक पिंच ये काला जीरा, मतलब काला जीरा डालकर ये पानी बॉईल करना है। पानी बॉईल हो गया, अब इसमें डालना है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर। हाँ थोड़ा, ये ठंडा होने का वेट कर रहा है हनी डालने के लिए। ये ठंडा हो गया, हर एक ग्लास में डाल रहे हैं। एक टीस्पून हनी भी डाल दिया। अब ये पीना है। मेरी एक कजिन ने बोला है ये 10 डेज पिया तो माइग्रेन शायद चले जाएंगे, उनको असर हो गया। सबको पता नहीं है ना, सबका मूड अलग अलग है ना। कैसे भी ये माइग्रेन जाना है, क्योंकि इस बार मैं सबको परेशान कर दिया सबको। आप लोग से बहुत सारे लोग मुझे हर बार रेमेडी, कुछ ना कुछ रेमेडी भेजते रहते हैं, मैं वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। अभी ये ट्राई करके देखते हैं। ये 10 डेज एम्प्टी स्टोमक पीना है। और अच्छू भी इधर आए चुमसी का शर्ट पहनकर, उसी के लिए कल खुशी बहुत मतलब गुस्से में थे। खुशी को शर्ट नहीं देते, टच करने नहीं देते, आप लोगों को भी मालूम है ना। लेकिन अक्कू को सब अक्कू को बहुत पसंद करते हैं चुमसी। ऐसा नहीं है खुशी को भी पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन खुशी के साथ झगड़ा वाला पसंद है। डील है। हाँ मतलब डील, शर्ट तुम पहन सकते हो बट लेके नहीं जा सकते। हाँ अम्मा मुझे बुला रही है, कुछ नया सब्जी बना रहे वो दिखाने के लिए। दो मैं अभी मुझे रिकॉर्ड करने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन अम्मा बोला कुछ मैंगो से कुछ बना रहे, कुछ सब्जी या करी कुछ बना रहे, तो मैं सोचा ठीक है मैं आती हूँ। देखो इधर मैंगो रखा है और ये उसी के लिए कोकोनट ऑलरेडी ग्राइंड किया है, उसमें मैं कितना स्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, मल्लीपुड़ी और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, सब छोटा स्पून है, 3 शैलेट्स, 1/2 टीस्पून अभी ग्राइंड करने जा रहे हैं। कोकोनट अच्छे से ग्राइंड किया, जिंजर देखो इतना इतना डालना है, छोटा सा 1 पीस। और गार्लिक देखो 3 लिया है, वो भी डालना है। ग्रीन चिली भी 3 या 4 भी डाल सकता है। हाँ 4 लिया है। गार्लिक भी छोटा छोटा कट कर। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लोग ने क्लेपोट लिया है, ऑयल डालना है। हम लोग कोकोनट ऑयल लिया है, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। उसमें डालना है मेथी सीड्स, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली थोड़ा स्विच कर
डालना है। ग्रीन चिली, करी लीफ, उसमें यह कोकोनट का पेस्ट डालना है। ये जार वॉश कर रहा है ना, वो पानी भी इसमें डाल दिया। देखो मैंगो है ना, कट कर कर उसका स्किन सब स्किन नहीं निकाल रहे, वैसे ही डाल रहे। दो मैंगो डाल दिया, सोल डाल रहे और खूब सारा करी लीव्स डालना भी भूलना नहीं। सुपर है, पल पल है मामा बड़ी पिज़्ज़ा मामा ला मामा। अम्मा बोल रहे हैं, अम्मा की मेरी दादी तरम अम्मा की सासू माँ, ये अम्मा को सिखाया है। सुपर सुपर सुपर। एक बोई लाने के बाद ये सिम में डालकर कवर करकर थोड़ी देर ये कुक करना है। एक 10-15 मिनट हो गया, ऑयल ऊपर आ रहा है ना, उसका मतलब है ये करी रेडी है। अभी गैस ऑफ कर लेते हैं, इससे थोड़ी देर कवर कर ऐसे रखना है, जब खाने का टाइम है ना फिर निकाल। खुशी कॉल किया, चुंसी का टी शर्ट पहना है, जंपर पहना है, क्योंकि आपको पहना है ना इसलिए सुबह सुबह कॉल करके बताया। उसको यूनिफॉर्म पहनना था लेकिन बिना मतलब बाद में यूनिफॉर्म पहने के, अभी महिलाओं को है ना माई के घर छोड़ कर वो लोग वापस आ रहे। चुंसी खुशी ऐसे ड्रेस आटेगा ना नोक, अभी चुंग खुशी अंदा डा अरे ये रास्ता क्यों आ रहा है ना, ना क्या नहीं आ रहा है ना चुंसी। देखो कैसे वायलेंट हो रहे हैं, अंदर तूने कौन रही क्यों आपको देश में ना उन्हें लेटे करना चोइचू ये तो चोइची ला इधर आ गया, गुस्से में आ गया, फाइट नहीं कर पा रहे उसी का दुख में है चुंसी। ताँ विलकेट है लगभग बचाने देखने वाला है। और अच्छा इधर कोकोनट ऑयल देखो, ये इसके अंदर भरणी, हम लोग इसको भरणी बोलते हैं, इसके अंदर कोकोनट ऑयल भर कर रखा है, वो भर रहे है। इसके अंदर रख लिया तो है ना कोकोनट ऑयल कितने भी दिन कितने भी मतलब एक साल तक रहेगा ना सर, इसके अंदर रख लिया तो है ना कोकोनट ऑयल एक साल तक रहेगा, खराब नहीं होगा। भरणी के अंदर रख लिया तो हर हफ्ते में एक बार आकर ये बोतल में भर कर लेके आता है। हमारे घर में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, वो मेरे बड़े मामा है ना, लास्ट ईयर का ब्लॉग आप लोग देख लिया तो बड़े मामा का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को मालूम होगा मेरे बड़े मामा छोटे मामा सबको, बड़े मामा भी इस दुनिया में नहीं है। मैं इधर आने के पहले बड़े मामा नहीं मतलब बड़े मामा गुजर गया था, लेकिन मैं सोचा था आने के बाद कुछ कर्म था, मैं सोचा था वो अटेंड कर पाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि कोई मेरा ये मेडिसिन की वजह से मुझे चक्कर आ रहा था। उस दिन मैं रेडी हो गया था, चक्कर आ रहा था नहीं जा पाया। अभी हम लोग जा रहे हैं बड़े मामा नहीं, अभी सारा कर्म हो गया है। अभी हम लोग मैं अभी तक नहीं गया ना उस घर में, मैं फ़ोन तक नहीं किया क्योंकि मैं फ़ोन में है ना कभी भी कम्फर्टेबल नहीं होता, मैं हमेशा बोलते हैं ना फ़ोन में मैं कम्फर्टेबल नहीं होता। अभी हम लोग जा रहे हैं मामी को मिलने के लिए, मेरे भाई को मैं मिल गया था, आपको एंगेजमेंट में आया था मेरा भाई, भाई अम्मा अम्मा बुला रहे, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बड़े मामा के घर से वापस आ गया और इधर मैं दोसा बना रहे हैं और हमारे घर में कौन है वो देखो, मेरा छोटा भाई हम लोग मोंगुटा प्यार से मोंगुटा बुलाते हैं, मोंगुटा का भाई सूर्य मतलब घर में इतना अच्छा बहू, अच्छा बहू किसी को मिलना है तो सूर्य इतना अच्छा बहू है मतलब बेटी जैसा है घर में सूर्य, और बेटी है दो बच्चे, अभी एक न्यू बोर्न बेबी है ऊपर सो रही है क्योंकि इधर इतना गर्मी है ना, और दो बेटी है बड़ी बेटी इतना
हाँ। बेटी को 10 साल हो गए हाँ। इनको यूके में गई है ना, वो हिंदी सीखने वाला कोई जगह में मैं भेज दूंगा, बता के इनको हस्बैंड है ना संतोष भैया को बता दूंगा इनको हिंदी सीखने के लिए, तभी जो प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। मुझे ना हमेशा ये मजा मेरा हिंदी को मजा मतलब सबसे मेरा मुझे कोई तो क्या कर सकते हाँ, ये क्या पता मुझे हिंदी पर मुझे कोई नया रूप आज मैं नहीं दिखाएंगे करना है ना, एक नया रूप में आ गया आज है, वो कल का ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे, और मेरा ब्लॉग भी मैं इधर एंड कर रहे हैं, शायद छोटा ब्लॉग होगा हाँ छोटा ब्लॉग होगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, हाँ सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।